Spreaker.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं अनुराग प्रधान, प्रभात खबर डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़ा हूँ। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भारतीय राजनीति का अखाड़ा रहा है, बदलाव का पहिया रहा है, आज़ादी की लड़ाई का गवाह रहा है। संपूर्ण क्रांति की हुंकार भरी गई यहाँ से। कोविड-19 के कारण सभाएं बंद कर दी गई है। गांधी मैदान के चारों गेट, बड़े बड़े जो मुख्य चार गेट हैं, उनको बंद कर दिया गया है। केवल एक गेट से वाहन प्रवेश कर रहा है और यहाँ गाड़ी जमा किया जा रहा है। अब मैं गांधी मैदान के आसपास जो जनता है, मैं जनता से बातचीत करूँगा और जानना चाहूँगा कि चुनावी मुद्दे उनके लिए क्या है और क्या मायने रखते हैं। तो सबसे पहले बड़ी मुद्दा यहाँ पे जो है बिहार की, अभी तक में चरम मुद्दा जो बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी यह है कि यहाँ की जैसे बिहार का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी, जिसका आज वो अपने अस्तित्व को लेकर पटना यूनिवर्सिटी रो रही है। और बेरोजगारी इस बात के लिए, जैसे अलग अलग स्टेट में देखते हैं तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगी रहती है कि ताकि वहाँ के जो कुछ युवा है और यहाँ के मजदूर हैं उसको कुछ ना कुछ रोजगार मिलते रहता है। लेकिन बिहार में एक ऐसा समय है कि अभी कोरोना के समय में भी यहाँ का जनता पलायन करने पे मजबूर है। हम यह चाहते हैं कि जैसे चुनाव के वक्त आप जो मैनिफेस्टो के लेकर मैदान में उतरते हैं, उसी मैनिफेस्टो पे चुनाव के बाद काम करें, रोजगार में वृद्धि करें, युवा बेरोजगार नहीं रहे, ये समय की मांग है। अभी चुनाव का मुद्दा कहाँ होना चाहिए? हम लोग को रोटी कपड़ा और मकान और कुछ नहीं। हम लोग को भोजन कपड़ा रोटी मकान और बच्चे का पढ़ाई, इससे आगे कुछ नहीं। लड़ाई चुनाव तो माने होना जरूरी है ही, चुनाव तो होना ही है। रह गई बात कि कोरोना को देखते हुए ही सब काम करना है। पब्लिक को अब देख लीजिए कि माँ भगवती की पूजा होती है तो पूजा बंद हो गया, लेकिन कोरोना नेता लोगों का भाषण तो बंद नहीं हो रहा है। वहाँ तो लोग जुट रहे हैं, वहाँ तो कोई डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया है। हम एक युवा हैं और युवा जैसा ही सोच एक लीडरशिप का भी होना चाहिए कि लोग जो पढ़ लिख कर आज बेरोजगारी के इतना गिर गया है कि आज कंपनी में भी जाता है तो लोग पूछता नहीं है। आज BA, BTEC या डिप्लोमा भी करके जाता है तो लोग उसको 10,000, 5,000, 15,000 यही उसका मंथली इनकम देता है। इस समय सारा देश कोरोना से त्रस्त है और इसमें चुनाव अरबों खरबों रुपया का खर्च हो रहा है, वही जनता के बीच जाता तो जनता को कुछ फायदा होता, और जनता के बीच ये जा नहीं रहा है, ये सिर्फ लूट हो रहा है। और इस स्थिति में चुनाव कराना बहुत खराब है। चुनाव के साथ साथ एग्जाम भी अगर सही समय पे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। चुनाव का तो समय मतलब कि है ही, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा था तो थोड़ा डिले हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। जिस तरह से हम लोग का एग्जाम प्रतिदिन डिले हो रहा है, हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत हुआ है। हमारे गाँव में खास करके महिलाएँ आगे आई हैं बहुत कुछ, मतलब घर से निकल के, अच्छा है। देखिए, हमको पार्टी उटी से मतलब नहीं है, हमको काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। मुद्दा तो होना चाहिए सर बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर स्थिति में है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है सर। देखिए जो शिक्षा व्यवस्था में टीचर की जो बहाली होनी चाहिए थी, पिछले 1.5 सालों से लटका हुआ है सर। मतलब हर तरह से कहा जाए तो मतलब अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, और वैसे तो अगर मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर। चुनावी चर्चा में कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अनुराग प्रधान। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।